a country 7 times smaller than its neighbor, is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. पूरी दुनिया में कश्मीर पर मुंह की खाने वाले पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। 370 हटाने के साथ ही भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान से कश्मीर का मुद्दा ही छीन लिया। सीमा पर सेना की मुस्तैदी और कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने घाटी में कई सालों से चले आ रहे खूनी खेल पर विराम लगा दिया है। यूएन से लेकर एलओसी तक पाकिस्तान की हर चाल फेल हो गई है। बौखलाया पाकिस्तान अब पीओके के लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी ने पीओके के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक मार्च निकालने की तैयारी की है। ये मार्च पाक अधिकृत कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक निकालने की तैयारी है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 पर कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से ये तैयारी की है, जो पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी की ओर से प्रायोजित किया गया है। पाकिस्तान अब पीओके को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस मार्च की आड़ में पाकिस्तानी सेना बड़ी साजिश रच सकती है, जिसके लिए भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मार्च से पहले ही चेतावनी दे दी है कि वो एलओसी की गरिमा को बना कर रखे। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बनी हुई है, जिसके चलते सीमा पर सुरक्षा बल भी अलर्ट हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान से आतंकी भी घुसपैठ की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लगातार भारतीय सेना नाकाम कर रही है। तिल मिलाए पाकिस्तान ने अब मार्च का नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। पाकिस्तान अब पीओके के नागरिकों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। However, I would like to caution Pakistan not to use the civilians of Pakistan-occupied Kashmir as cannon fodder, because Indian Army is very clear. Should there be any attempts at violating the line of control, they shall be responded to very, very effectively. इससे पहले इमरान भी 370 हटने के बाद से लगातार पीओके का दौरा कर रहे थे। इमरान पिछले 2 महीनों में 3 बार पीओके का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान की आजादी का जश्न हो या फिर पिछले महीने मार्च, इमरान खान लगातार पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रही हैं और पीओके की जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। पीओके अब साजिशों का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान आर्मी पीओके के नागरिकों को भड़का रही है, वहीं आतंकी गतिविधियां तेज की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि कश्मीर को 370 से आजाद करने के बाद अब भारत का अगला कदम पीओके ही है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। कूटनीति से लेकर आतंक की नीति तक पाकिस्तान की हर चाल फेल हो चुकी है, जिसके बाद अब आम नागरिकों को पाकिस्तान की बेरहम आर्मी ढाल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने तैयार कर रखा है।